सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई YouTube चैनल। आज के स्टूडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर, इस टाइप का हम वीडियो क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइज, अभी के समय में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जैसे कि WhatsApp स्टेटस, Instagram रील्स, Facebook, मोस्ट TikTok, मतलब हर जगह पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस टाइप का वीडियो। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो से इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। गाइज, अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने जो वहां आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये 7 सेकंड का इंट्रो वीडियो को यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेना है। एंड जस्ट बगल में यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 7 फोटो को ऐड करना है। तो चलिए हम 7 फोटो एंड वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वीडियो एंड फोटो दोनों ऐड कर लिए हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। एंड अब क्या करना है, फोटो का जो रेशियो आपको यहाँ पे चेंज करना है तो फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करते यहाँ पे 9:16 वाला रेशियो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फोटो का जो रेशियो आपको 9:16 वाला रेशियो में कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का जो रेशियो मेरा 9:16 वाले रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको म्यूजिक को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लिया। तो इस तरह से आपको म्यूजिक को ऐड करना है, ठीक है। म्यूजिक मेरा ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड यहाँ पे अब क्या करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर एक टाइमर का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम को देखकर हमको फोटो का जो ड्यूरेशन है आपको कम कर लेना है। तो पहला जो यहाँ पे टाइमर है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड का है। तो पहला फोटो का जो ड्यूरेशन, हम यहाँ पे ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे 2 सेकंड में कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। एंड सेकंड फोटो के ऊपर टच करना है। स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड फोटो का ड्यूरेशन का टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 सेकंड का है। तो यहाँ पे सेकंड फोटो के ऊपर टच करना है, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन में जाकर 1.5 सेकंड में कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। एंड आपको 3rd नंबर वाला फोटो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं 3rd नंबर का टाइमर देख सकते हैं यहाँ पे 1.2 सेकंड तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन में जाना है और यहाँ पे 1.2 सेकंड में कर लेना है। तो इसी तरह आपको बारी बारी से 7 फोटो का ड्यूरेशन आपको घटा लेना है। टाइमिंग देख लेना है, ऊपर में देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, यही टाइमिंग को देखकर आपको फोटो का ड्यूरेशन को आपको लगा लेना है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। तो चलिए हम एक एक करके कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पे सेट कर लिया हूँ, फोटो का ड्यूरेशन को हम इस तरह से सेट कर लिया हूँ। करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड करना है। तो फोटो के नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे एरो वाला टाइप का है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सुपर के बगल में एक जूम वाला इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। पहला फोटो का ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको जूम इन वाला इफेक्ट को रखना है। एंड यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। सेकंड, यहाँ पे एरो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं आपको यहाँ पे सुपर के बगल में यहाँ पे 5 नंबर वाला जो इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड हो रहा है। तो ये इफेक्ट को ऐड करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है और आपको सेकंड एरो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं आपको 6 नंबर वाला देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाला जो इफेक्ट है, इसको ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे व्हाइट वाला एरो के ऊपर टच करना है, एरो के ऊपर टच करना है। जैसे टच करते हैं यहाँ पे सुपर के बगल में यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बारी बारी से सब में इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं बारी बारी से मैंने सब में इफेक्ट ऐड कर लिया। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से फोटो स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ पर आपको आना है। देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पर आपको आना है। देन यहाँ पे आपको पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये ब्लैक शेडो इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ब्लैक शेडो इमेज ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे फुल स्क्रीन पर करना है कुछ इस तरह से और इसका जो ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। ओके, एंड आपको इमेज के फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट इमेज के ऊपर इस तरह से आना है। देन यहाँ पे अगेन आपको पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये लाइट वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड
कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन पर करना है, देन यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट पे जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट पे जाना है कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे पीआईपी प्लस आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको ये व्हाइट बॉर्डर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन यहाँ पे फुल स्क्रीन पर करना है, देन यहाँ पे आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है, ठीक है। एंड अब क्या करना, यहाँ पे फोटो के ऊपर आपको ग्लिच इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। वीडियो के फर्स्ट पे आप देखे होंगे ग्लिच इफेक्ट है फोटो के ऊपर में, तो आपको वो ग्लिच इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फोटो के फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर इस तरह से आना है। देन यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करना है, बिट्स वाला ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे नीचे में बहुत सारा आपको फिल्टर मिलेगा, आपको कैसे एकदम स्लाइड करना है। लास्ट पे आपको आरजीबी वाला देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आरजीबी वाला इस तरह से आपको फिल्टर मिलेगा, मतलब ग्लिच इफेक्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है और इसका जो ड्यूरेशन है इफेक्ट का ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटो के ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्लिच इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना। तो फाइनली गाइज मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। सो गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर लो। सो चलिए एक बार हम वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। एंड अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते फ्रेम रेट इसको 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में आपको सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो लाइक भी कर लेना। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।